खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल गांधी ने वैसे तो प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का काम सौंप दिया है, लेकिन प्रियंका का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। कांग्रेस की एसपी बीएसपी से तो निभी नहीं, इसलिए प्रियंका गांधी छोटे दलों पर फोकस कर रही हैं। महान दल से गठबंधन करने के बाद प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर से भी मुलाकात की। चंद्रशेखर मेरठ के अस्पताल में भर्ती है, हालचाल लेने के बहाने प्रियंका चंद्रशेखर से मिल आई। चुनावी मौसम में मुलाकात से ही गठबंधन की अटकलें लगनी शुरू हुई है। भीम आर्मी वैसे तो कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन नौजवान चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाकर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में ठीक ठाक पैंट बना ली है। सुनते हैं प्रियंका गांधी ने कल क्या कहा जब वो चंद्रशेखर से मिलने अस्पताल पहुंची। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुझे ये इस लड़के की का जोश पसंद आया, मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, नौजवानों की आवाज। कोई बिल्कुल नहीं। देखिए आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, आप करिए, मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे इस लड़के का संघर्ष मैं समझती हूँ, मैं इससे मिलने आई। तो प्रियंका गांधी को लड़के का संघर्ष पसंद आया। उधर अस्पताल में भर्ती चंद्रशेखर ने अस्पताल से ही दहाड़ लगाई कि वो तो मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रियंका गांधी आज मेरठ पहुंचती हैं और अचानक से आनंद हॉस्पिटल आ जाती हैं, क्योंकि आनंद हॉस्पिटल में इन दिनों भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, वो यहां पर भर्ती हैं। दरअसल चुनाव आयोग के उल्लंघन के एक मामले में कल उन्हें गिरफ्तार किया था पुलिस ने, जिसके बाद में उनकी तबियत खराब हुई और फिर हायर सेंटर यानी कि मेरठ रेफर किया गया उनको। और इस वक्त आप चंद्रशेखर देख सकते हैं कि बीमार हैं, आनंद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और इन्हीं से मिलने के लिए प्रियंका गांधी आज यहां पर पहुंची थी। चंद्रशेखर, तबियत के बारे में तो जरूर जाना होगा प्रियंका गांधी ने, सियासत की भी कुछ बातचीत हुई? मैं ना सियासत करता हूँ ना सियासत करना चाहता हूँ, मेरा एक ही एजेंडा है, मोदी को मैं यूपी से चुनाव जीतने नहीं दूंगा। और भाजपा के ताबूत में आखिरी कील भीम आर्मी 15 मार्च को ठोकेगी दिल्ली से, तो वो हाल उन्होंने मानवता के नाते भाई कह के जो है हालचाल पूछे, अच्छा लगा, बस इतना ही। आपको एक्सपेक्टेड था, पहले से इस बारे में इत्तला दी गई थी कि प्रियंका गांधी आने वाली हैं? आपके हल्ले शोर ने मुझे उठाया, जब इतना शोर बाहर हो रहा तो मैंने पूछा कोई आ रहा है। हमारे लोगों को रोक दिया गया तो ऐसा तो किसी को करना नहीं चाहिए, हमारे लोगों को जो हमारे साथ है उनको रोका जा रहा था। नेता ठीक है सब लोग, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ मिलने आई, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ और उसी की राजनीति करना चाहता हूँ। बहुजन समाज की राजनीति अगर आप करते हैं, करते रहेंगे, उसी की करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो तो किसी भी पार्टी में फिट हो सकता है, तो क्या गठबंधन से इतर कांग्रेस में उस बहुजन वोट के जाने की चंद्रशेखर के रूप में कुछ संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावनाएं नहीं, संभावना ये है कि हम गठबंधन को मजबूत करके जो है, मैं तो चाहता था गठबंधन इतना मजबूत हो जाए कि भाजपा को जीतने कोई मौका ही ना मिले।